हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज बात करने वाले हैं एक ऐसे राज्य की जिसे खुद भगवान का देश माना जाता है। एक ऐसा राज्य जो भारत के दक्षिण में प्रकृति की गोद में बसा हुआ है। एक ऐसा राज्य जहां हर गांव के अंदर बैंक और अस्पताल मिल जाएंगे। इसे भारत का सबसे सुंदर और साफ सुथरा राज्य माना जाता है। देश का एकमात्र राज्य इसको माना जाता है जहाँ 100% लोग पढ़े लिखे हैं। हम बात कर रहे हैं भारत के बिल्कुल दक्षिण में पश्चिम मालाबार कोस्ट पर बसे हुए केरल राज्य की। 1 नवंबर 1956 को त्रावणकोर और कोचीन को मिलाकर केरल राज्य को बनाया गया। क्षेत्रफल के मामले में केरल भारत के 29 राज्यों में से 21वें नंबर पर आता है। केरल के उत्तर में कर्नाटक राज्य और दक्षिण में तमिलनाडु आते हैं। केरल 38,863 वर्ग किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है। इस राज्य में करीब 590 किलोमीटर लंबी समुद्री तटरेखा मौजूद है, जिसके किनारे कई प्रसिद्ध बंदरगाह मौजूद हैं। केरल राज्य में मानसून के समय बहुत बारिश होती है। केरल मसालों की खेती के लिए दुनिया भर में अलग पहचान बनाए हुए है। केरल में काले मिर्च, इलायची, दालचीनी की खूब पैदावार होती है। इसके अलावा कॉफी, काजू, नारियल, चावल, रबड़ जैसी चीजें भी केरल में काफी ज्यादा मात्रा में उगाई जाती हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार केरल राज्य में लगभग 33 मिलियन लोग रहते हैं, जो इसे जनसंख्या के मामले में देश का 13वां सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य बनाता है। केरल राज्य को 14 जिलों में बांटा गया है, जिस पर केरल की राजधानी त्रिवंतपुरम से राज किया जाता है। यहाँ भी असम और दार्जिलिंग की तरह दूर तक फैले चाय के बागान मन को शांति देते हैं। पहाड़ों, घाटी, समुद्र तटों, हिल स्टेशनों और हरे भरे मैदानों से भरे इस राज्य में घूमने के लिए हर साल लाखों भारतीय और विदेशी लोग आते हैं। सुंदर पहाड़, घने जंगल और यहाँ की बायोडाइवर्सिटी इस राज्य को अलग पहचान दिलाती है। केरल की गिनती भारत के उन्नत राज्यों में की जाती है। केरल प्राचीन काल से ही मसालों के व्यापार के लिए पॉपुलर माना जाता है। इस राज्य की गिनती पढ़े लिखे राज्यों में की जाती है। केरल भारत का पहला राज्य है जहां साक्षरता दर लगभग 100% के करीब है। मसालों के व्यापार के लिए 15वीं शताब्दी में सबसे पहले पुर्तगाली यहां आए, उसके बाद अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से केरल में व्यापार करने आए थे। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान केरल 2 राज्य त्रावणकोर और कोची में बटा हुआ था। बाद में इन दोनों को मिलाकर थिरु कोची नामक राज्य का गठन किया गया। भारत के इस राज्य का आजादी पूर्व नाम त्रावणकोर हुआ करता था, लेकिन इसका नाम आजादी के बाद बदलकर केरल किया गया। केरल अपनी खास तरह की परंपराएं और संस्कृति के लिए भी जाना जाता है। केरल की संस्कृति कई संस्कृतियों से मिलकर बनी है। लंबी समुद्र तटरेखा और मसालों के लिए पॉपुलर होने की वजह से केरल पुराने समय में व्यापार के लिए महत्वपूर्ण शहर बना रहा। भारत में पहली बार मुस्लिम केरल में आकर ही बसे थे। इस्लाम की शुरुआत के 60 साल बाद ही भारत में पहली बार मस्जिद बनाई गई थी। केरल के मेथला में मौजूद ये 1300 साल पुरानी मस्जिद आज भी वहीं पर बनी हुई है। उसके बाद यहाँ पर पुर्तगाली और अंग्रेज आए। अंग्रेजों के आने से यहाँ ईसाई मिशनरियों ने यूरोपीय कंपनियों से व्यापार करना शुरू किया। इस कारण से यहाँ हिंदुओं के साथ बड़ी संख्या में मुस्लिम और ईसाई धर्म के मानने वाले लोग भी रहते हैं। इस कारण केरल में भारतीय और पश्चिम संस्कृति का मेलजोल देखने को मिलता है। केरल के लोग मलयालम के साथ अंग्रेजी भाषा भी बोलते हैं। पंजाब में जैसे वैसाखी मनाया जाता है, वैसे ही केरल में ओणम का त्योहार मनाया जाता है। फसल काटने के सीजन में ही ये दोनों त्योहार मनाए जाते हैं। फसल कटने की खुशी में इस त्योहार को पूरे केरल में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। केरल के लोगों की मुख्य व्यवसाय खेती है, इसलिए ये त्योहार केरल वासियों के लिए बहुत ही खास होता है। केरल में समुद्री तट पर रहने वाले लोग ज्यादातर मछलियां पालते हैं। दक्षिणी भारत के सभी राज्यों का पहनावा एक जैसा ही दिखाई देता है। केरल में भी महिलाएं साड़ी पहनती हैं और पुरुष शर्ट या कुर्ता और नीचे धोती पहनते हैं, जिसे वहां की आम भाषा में मंडू कहा जाता है। केरल की मलयाली फिल्में भारत के साथ साथ पूरी दुनिया में काफी ज्यादा पॉपुलर हैं। इनकी संस्कृति और यहाँ खुशी खुशी रहने वाले लोग लाजवाब होते हैं। इनका लोकल डांस भी काफी ज्यादा फेमस है, जिसे कथक या कथकली कहा जाता है। केरल खाने के मामले में भी बहुत ही ज्यादा फेमस है। डोसा, सांबर, इडियप्पम, अप्पम, सद्या और पुट्टू केरल में काफी ज्यादा पसंद की जाने वाली चीजें हैं, और नॉन वेजिटेरियन डिशेज भी केरल में काफी ज्यादा खाई जाती हैं। चावल और मछली केरल के लोगों का पसंदीदा खाना होता है। अगर आपको भी साउथ इंडियन खाना पसंद है तो कमेंट में अपनी फेवरेट डिश का नाम जरूर बताएं। आज की वीडियो में इतना ही।